आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देवगढ़पुर से आज बेहतरीन प्रस्तुति लेके आ रहे हैं, जिसको प्रस्तुत किया है जय भारत गुड्डू सिंह संगीत पार्टी हलोर जिला राय बरेली। तो हमारे नए रिश्तेदारों से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भूल गए, कोई वादा किया था? कैसा वादा, कौन से वादा, समझ में नहीं आता है कि शमशेर सिंह तुम क्या कह रहे हो। इसका मतलब कोई वादा तुम्हें मालूम नहीं है। जय सिंह, 3 बरस पूरा हो गए हैं। आपने कहा था हमारी बेटी अनुराधा 3 बरस नाबालिग है, और मैं 3 बरस बाद ही आया हूं। क्या सोचते हो? सौदी सौदी, साले के बाल सफेद हो गए हैं, देख लिए अब फिर ही भूला। बसाऊंगा तुम्हें मैं ऐसे जाल में कि तुम भी याद करोगे शमशेर सिंह। शमशेर सिंह याद आ रहा मुझे, याद आ गया, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। महाराजा सिंह इसी वक्त अपनी बेटी को बुलाओ और हमारा विवाह किया जाए। ओ क्यों नहीं शमशेर सिंह, क्यों नहीं? अरे शादी तो हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी के करेंगे ही, लेकिन मैं खुद सोचता हूं। क्या सोचते हो? मैं यह सोचता हूं कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मैंने उसे पढ़ा लिखा, हर एक हुनर सिखाया। आज मैं सोचता हूं कि ऐसा मैं ऐसा स्वयंवर करूं, ऐसा अपने पूरे रियासत में ऐलान करवाऊं कि जो भी बसर, जो भी बहादुर शमशेर सिंह से जंग करे और शमशेर सिंह को परास्त करे, मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूं। आपके कहने का मतलब राज दरबार में तलवार की प्रतियोगिता रखोगे? तलवार की प्रतियोगिता रखूंगा, काम के मेरी बेटी बहादुर है। इस राज्य में मुझसे जंग सभी करेंगे बारी बारी से। जी हाँ, और जो अक्सर मुझसे जीत जाएगा उसके साथ अलग शादी होगी। जी हाँ। क्या हुआ? हुआ क्या शमशेर सिंह? आप क्यों दांतों तले अंगुलियां दबा रहे हो? क्योंकि तुम भी तो एक बहादुर हो। अरे बहादुरों का सामना करो, और तुम जंग में जीत गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। क्या परेशानी थी आपको? अगर ये बात है, मैं तैयार हूं। और देखता इस राज्य में कौन माई का लाल है जो मेरे सामने आता है। तैयारी करो शमशेर सिंह, तैयारी करो। चार पार सोरवनी बार चाक के पुरनक में ढिंडोरा पीट दो कि कल सुबह 10 बजे जोरावर सिंह के दरबार में तलवार की प्रतियोगिता होगी। जो भी बसर तलवार प्रतियोगिता भी के महाराज शमशेर सिंह को परास्त करेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है महाराज, आपके अनुसार पूरे नगर में हम अभी जाकर ढिंढोरा बजा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज जनावर सिंह का आदि हुक्म है कि कल 10 बजे दरबार में तलवारबाजी जंग होगा। जो कोई तलवारबाजी में पार पाएगा महा राजकुमारी अनुराधा के साथ शादी होगा।
यह कैसी मुलादी बेटी जा रही है? यह महाराज महाराज जरावल पिता रहे हैं। महाराज जरावल सिंह यहाँ का राजा है और उनकी बेटी अनुराधा। तो महाराज ने कहा कि जो कोई जंग में तलवारबाजी में शमशेर को हराएगा वही उसकी बात राजकुमारी अनुराधा के साथ शादी है। वही तो शमशेर सिंह नहीं है जो गरीबों पर अत्याचार करता है? ठीक है, मैं जा रहा हूं और उस उसमें यानी कि युद्ध में हम भी सम्मिलित होंगे और देखता हूं कि वो शमशेर सिंह अपने आप को क्या समझता है। लेकिन अनुराधा, तुम तो मेरी हो और तुझे हम छोड़ नहीं सकते। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तो यार भी है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन करते हैं। तो सुनो, कल 10 बजे राजनाथ दरबार में तलवारबाजी की जंग है। अरे हम ऐलान कर रहे हैं कि महाराज जरावर के दरबार में कल जंगबाजी होगी। तलवार का प्रतियोगिता, हाँ। तो जो कोई शमशेर का हराएगा तो उसी के साथ अनुराधा के शादी होगी। वो शमशेर से बता देना। अच्छा, कि हम आएंगे, ठीक, शादी अपनी करेंगे, ठीक, उसको साले को मार के भगाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है,
लमसम 10 बजने को है। ऐलान हो गया था? जी हाँ, ऐलान कर क्या रहे? ऐलान कर दिया क्या नहीं? ठीक है, इंतजार किया जाए। ठीक है। अरे तो ऐलान हुए, तुमने सुना नहीं है? भैया अरे हमने ऐलान किया है। अच्छा। दे बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गुड़ देश से। आप यहाँ आए तलवारबाजी करने के लिए? अच्छा, मतलब तलवारबाजी आप कर रहे हो कि जीत जाओगे तो क्या शादी कराने आए हो? महाराज एक वीर नौजवान देखो आया है, वो कह रहा है कहाँ है शमशेरिया। महाराज इतने ताल से आया और उसके बाद शमशेर सिंह का देखते ही भग गया। अब देखो और कौन जवान आ रहे हैं। ये कोई दरवाजे में लगता है बहुत बड़ी बहादुर आया है, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। बहादुर हम आ रहे हैं हुड़मुड़ देश से। हुड़मुड़ देश से? हाँ। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ क्या है? यहाँ से मर रचा गया जिसे जनकपुर में रचा गया था। हाँ। धनवा तोड़ के सीता का राम लिए ले गए। हम सीता को नहीं ले जाएंगे। हाँ। हम अनुराधा को ले जाएंगे। अनुराधा का ले जाएंगे? अनुराधा की शादी होगी। वो साले शमशेरिया को बुलाओ। आ रहे हैं। कहाँ के राजकुमार हो? हुड़मुड़ देश। राजकुमार हुड़मुड़ देश के? सौखिनिया राजकुमार। राजकुमार हो? किस साले चुअर हो कहीं के? ए! जब तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, शमशेरिया कहाँ है? तमीज? इधर आओ। हम कमीज नहीं, तुम इधर आओ। एक बात बताओ, शर्त क्या है? शर्त ये है, जो वीर जो जवान मुझसे तलवारबाजी में जीत जाएगा वो राजकुमारी को ले जाएगा। इधर आओ। मान लीजिए अगर हार गया तो? हार जाओगे, जूते से मारते हुए यहां से भगाए जाओगे। ज्यादा बोलने कुछ नहीं, गली में तलवार मारूंगा सारी। अब तुम गए हार। मैं? वो कैसे? मेरे कहने से इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। अब मेरे कहने से यू कैन गो। गेट आउट। क्यों? यहाँ तलवार जाएगी तब हार जीत होगी। ए राजकुमार जी, मेरे हाथ हराने से काम नहीं चलेगा। या उठाओ तलवार। हाँ। माथे में महीना आ जाएगा। माथे में पसीना बोलो। होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तुम पागल हो का? अरे हम तलवार अबे उठावा नहीं ना, अयुब रावण बना था। होशियार ज्यादा हो, अचानक वार करना चाहते हो? आए खाली इशारा कर। तैयार हो जा राजकुमार जी। तुम्हारे हाई बीमारी जरूर। तैयार हो जाओ। तो एक बतावे कि हम जोर से तलवार चलाऊंगे। अरे
जोर से काहे चलावत हो? ऐसे ऐसे पीर है, ऐसा तलवार चलाओ। यह भार भूजने जा रहे हो कातर वाले करके? तलवार दिखाए ना। अच्छा, ऐसा बिकट तलवार चलाओ तो तलवार फेंक के आना था ना। रुक जाओ, आईना देख लेने दो। बार बार मुंह देखे थू थू देखोगे जरा, जैसे लील गांस सिर रहा हूं साला। हाँ देख, हम ये काम नहीं करते। नकुला कहो काट दे तू। हां काम नहीं करतो तो का अपनी हटाते रही कर। आत्मा जी पहले आईना देख लिए दियो। तेरी राजकुमार के ये गोले पर के कौन मार रहा है? तलवार पहचानती नहीं जंग में? शरीर कहती तलवार तो हाथ आवे के न चाहे। अच्छा नहीं मारो तो तुहार मूड पर। अरे तुम मारो मुझे, मैं न मारू। है तैयार हो जाओ। एक पहले तलवार वैसे ले जाओ। अब कौन बीमारी घुसी? एक बात बताओ। हाँ यह लेटरिंग कहाँ बनी है? वह बात है उधर है, उधर है, उधर। हमका लागे तुम्हारे बोझ उबर है, मतलब फूली है। भाग जाओ। तुम पागल हो कहाँ? कहाँ जा रहे हो? आगे मुक्ति, आगे मुक्ति, आगे मुक्ति। महाराज लगता है कोई अब नहीं आएगा और बाजी शमशेर ने जीत लिया। जरा सिंह मेरा नाम सुनते हैं राज में कोई इशारा ने को तैयार नहीं है, फिजूल का टाइम बर्बाद करते हो। बताओ बने ऐसी चाल चली किस प्रतियोगिता में शमशेर बॉक्सिंग को कोई ना कोई प्राप्त करेगा, लेकिन एक सिंह भी रहे सब भाग गए। लगता है शादी करना ही पड़ेगा। शमशेर सिंह मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन अभी टाइम काफी है। अमे भैया को है दरबल, जा करके देखो कौन है। कौन है आवाज लगा रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? हम बाबा सिंह। बाबा? यहाँ बाबू क्या काम है? महाराज दरवाजे में कोई आ कहते बाबा है उसको लाया जाए। आइए आइए, महाराज का आदेश है। अरे जगमा चारी सुवर है भाई, ¡Gracias!
अरे दूसरा सुवारा मुर्गी कैसे हुआ? यहां पर तो तलवारों की प्रतियोगिता हो रही है। वही खाते तो हम हुआ आप अब जंग करेंगे। पिटेवा का लेके जाओ, लेकिन पहले पिटेवा का देख लिया आता हूं। गोर हो तो भैया लड़ाई कर, अब करिया जो कहूं भय तो महाराज हमारी लड़की जो प्रत्युक्ता है, प्रत्युक्ता हो रही है, बैठी हुई है। क्या बात है संत जी, क्या बात है बताइए। गुड़ खाते हैं आप? आप हमारे मेहमान हैं, हमारे राज दरबार में आए हुए हैं, ठीक है? महाराज बताइए। गुड़ जल्दी से मंगाओ, ठीक है? दरबार महाराज, आपको मैं पानी पीने के लिए व्यवस्था करता हूं। दरबार
महाराज को हमारी लड़की को दिखाया जाए। महाराज जी, मुनिराज, तुम्हारी उम्र देखकर हमें तरस आता है कि कहीं आपकी मौत न हो जाए हमारे हाथों से। सबसे पहले कम से कम 90-95 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, बोलने का तहजीब नहीं तुम्हें। तुम बुढ़बक हो। मैं तुम्हारी मौत आई है तो तुम्हारा ही नाम शमशेर। हाँ, मैं हूँ शमशेर सिंह। चिल्ला मत वरना गला बैठ जाएगा। और जो मैं कहता हूँ ऊका सुनो। बोल। हाँ बेटा। और खून पीकर गरीबों का शमशेर तो खून पीकर। इस संत को कैसे मालूम है शमशेर सिंह खून गरीबों का पीता है? मतलब कोई पहुंचा संत है, होशियारी से काम ना करना चाहिए। महाराज जी, मैंने जो कुछ किया सो किया, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना पे मौत मारे जाओगे। आज आया 8 साल ऊंट पहाड़ करी थे। संभाल संभाल इस बुढ़े कमार। महाराज जी, और पार कर आगे बढ़ाओ और कैफना पेटी। द्वारपाल इस प्रतियोगिता के विजेता